हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के तीसरे लेक्चर को। आज हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसका नाम है ग्राफिक्स पाइपलाइन, बिटमैप एंड वेक्टर इमेजेस में क्या फ़र्क होता है और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। MSBTE के पूरे सिलेबस की जो चीज़ें आई स्कीम में जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको इस सिलेबस में इस चैनल पर बता रहा हूँ। इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको बताऊँगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी आपको वेक्टर एंड बिटमैप के बारे में बताया है, रास्टर एंड वेक्टर इमेज के बारे में फिर से बताने वाला हूँ। चलो, क्योंकि ये टॉपिक फिर से आने वाला आपके बिटमैप इमेज के फॉर्म में, तो मैं आपको MSBTE की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एकदम एक्सप्लेन करके। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूँ आपको कि मुझे ये ऐसा लगता है कि जब भी आप एक्सेलेंस लेवल पे जाते हो, जब आप सुपर परफेक्ट लेवल पे होते हो, तो आपको बस यूट्यूब लेक्चर से देख के काम नहीं चलता है, आपको लाइव डाउट सेशंस भी अटेंड करने होते हैं, वो भी फ्री है। मैं हर संडे को लाइव डाउट सेशन लेता हूँ। आज संडे है, अगर आप संडे को ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हमारा लाइव डाउट सेशन है शाम को। उसके लिए व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करो। उसके बाद उसमें मैं क्लासरूम की सारी डिटेल्स भेजूँगा। आप मुझे मैसेज करना, ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हो, आपको कोई भी क्लासरूम की डिटेल्स भेज देगा। बट इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप पहले के दो वीडियोस को देख लो। जो कंप्यूटर ग्राफिक्स मैंने दो लेक्चर्स डाले हैं, लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, ऐसे लेक्चर्स MSBTE के टाइम पे चाहिए, असाइनमेंट, नोट्स, MCQ क्वेश्चन, सारी चीज़ें चाहिए फ्री में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इस चैनल पर डालते रहता हूँ। चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन में वो है ग्राफिक्स पाइपलाइन। अब ग्राफिक्स पाइपलाइन क्या होता है? आपके बुक्स में, नेट पे बहुत जगह इस टॉपिक को बहुत ही कन्फ्यूज़न में समझाया गया है, बहुत ही कन्फ्यूज़ करके समझाया गया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया गया। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल में समझाता हूँ कि अगर मैं रियल वर्ल्ड में बैठा हूँ और ये मार्कर आपको ये दिख रहा होगा, एक मार्कर है, ये बोर्ड है, ये मैं हूँ, ये एक डायरी है, सामने कैमरा लगा हुआ, ट्राइपॉड स्टैंड, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सारी चीज़ें एक 3D ऑब्जेक्ट है। ये मार्कर क्या है? एक 3D ऑब्जेक्ट है। ये 2D है क्या? नहीं, ये 3D है। इसमें लेंथ है, विड्थ और हाइट भी है। अब ऐसे अगर मार्कर को देखो तो ये लेंथ हो गया इसका, ये इसकी हाइट हो गई, और इसकी इसका विड्थ हो गया। ये वाला एरिया, ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया हो गया ये उसकी विड्थ हो गई। तो जब भी हम बात करते हैं किसी रियल टाइम ऑब्जेक्ट की, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की, तो वो 3 डायमेंशनल में होता है, या पूरी दुनिया एक 3 डायमेंशनल फिगर में बटी हुई है। जैसे हमारा एक एक्सेस होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड एक्सेस। इस पे हमारी पूरी दुनिया चलती है। आप अपने, अगर जिस रूम में आप ये वीडियो देख रहे हो उस रूम को देखो आप ध्यान से, आपके रूम में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक तो आपको लेंथ दिख रहा है रूम का, एक विड्थ दिख रहा है और एक हाइट दिख रही होगी रूम की। मतलब 3 एक्सेस, एक एक्स एक्सेस, एक वाई, एक एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया और ये जेड एक्सेस हो गया। तो ये 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ें डिस्प्ले करा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें आप 3D चीज़ों को डिस्प्ले कराते हैं। कभी भी आप 2D चीज़ों को डिस्प्ले नहीं करा रहे होते हैं, आप 3D चीज़ों को डिस्प्ले करा, आप रियल टाइम ऑब्जेक्ट को आप कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे होते हैं। ये कंप्यूटर आपके डिस्प्ले है, इसके ऊपर आप 3D ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहे हैं। बट क्या ये हमारा डिस्प्ले स्क्रीन 3D है क्या? नहीं, ये स्क्रीन हमारा कैसा है? 2D इमेज है। ये हमेशा आपको 2D इमेज ही फॉर्म करके देगा। हमारा स्क्रीन कैसा होता है? ये एक्स एंड वाई एक्सिस के टर्म्स में बटा हुआ है। मतलब जो हमारी स्क्रीन है, जो हमारी डिस्प्ले है, वो 2D है, और जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो 3D है। तो अब हमें 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। इवन मैं जो वीडियो में बात कर रहा हूँ आपसे, आपको 2D डिस्प्ले दिख रही है ना, आपकी जो फ़ोन स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है वो 2D है, और मैं जो हूँ वो 3D हूँ। मेरा मार्कर 3D है, मेरी बोर्ड 3D है। तो अब जो 3D इमेज को 2D इमेज में जो कन्वर्ट करते हैं हम, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफिक्स पाइपलाइन का प्रोसेस। काफ़ी इजी टाइम में मैं आपको समझाऊँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं भी आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूँ, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ग्राफिक्स पाइपलाइन काम करता है। बट एक बेसिक्स होता है ग्राफिक्स पाइपलाइन का कि आपको एक 3D इमेज, जब आप 3D इमेज की बात कर रहे होते हैं रियल टाइम ऑब्जेक्ट में, सारी चीज़, जब आपको एग्जाम में आंसर्स भी लिखना तो आप शुरुआत यहीं से करेंगे कि यहाँ पर रियल टाइम ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें 3D हैं, और उन 3D चीज़ों को अगर आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स पर दिखाना है, कंप्यूटर डिस्प्ले पर दिखाना है, तो आपको उसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट योर ग्राफिक्स पाइपलाइन का प्रोसेस। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिक्स पाइपलाइन कहते हैं। आई होप आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसके प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती, क्या क्या स्टेप्स आते हैं और क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज के सेशन में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसकी नोट्स, असाइनमेंट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन सब तैयार है, आपको बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ग्राफिक्स पाइपलाइन में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एप्लीकेशन। क्या स्टेप्स होता है हमारा एप्लीकेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा ज्योमेट्री। दूसरी जो स्टेप होती है हमारी वो होती है ज्योमेट्री, और जो तीसरी स्टेप होती है वो होती है हमारी रेस्टराइजेशन। तीसरी स्टेप होती है हमारी रेस्टराइजेशन। पहली स्टेप एप्लीकेशन, दूसरी स्टेप ज्योमेट्री एंड तीसरी स्टेप रेस्टराइजेशन। अभी हम लोग तीनों को स्पेसिफिक सेपरेट देखते हैं कि तीनों अलग अलग स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जो स्टेप होता है, इस स्टेप के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप के अंदर हम अपने सारे मॉडिफिकेशंस और सारे चेंजेस को कर रहे होते हैं। आपने एक वीडियो बनाया, आपने एक इमेज फॉर्म किया, उसको कैसे भी चेंज करना, उसमें कुछ इफेक्ट डालना है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कोई भी चेंज माइनर सा जो चेंज होता है वो हम लोग एप्लीकेशन में कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन का ही मतलब होता है किसी चीज़ को अप्लाई करना, तो यहाँ पे हम माइनर चेंजेस को अप्लाई कर रहे होते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, एप्लीकेशन का पहले स्टेज का। हमारे ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें, और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, चीज़ों को आसान रखो, आसानी से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। दूसरा जो स्टेप होता है हमारा सेकेंड स्टेप, ये होती है हमारी ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री हमने बचपन से पढ़ा, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री का बेसिकली ये मतलब होता है कि आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो, किसी शेप को बना रहे हो। ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जो भी हमने कैमरा से क्लिक किया है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होती है ज्योमेट्री के अंदर, मैं चलो आपको यहाँ पे लिख के एक शॉर्ट में बता भी देता हूँ ज्योमेट्री के अंदर हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी डाली हैं आपके यहाँ पे नोट्स में, बट मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ। ज्योमेट्री में हम क्या क्या करते हैं, मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मॉडल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पहले स्टेप में। फिर उसके बाद लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग कैसी लाइटनिंग होगी, प्रोजेक्शन क्या होगा आपके 3D ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद क्लिपिंग, कि अगर कुछ क्लिप करना है, मतलब लाइक कुछ आपको क्रॉप करना है, कुछ साइज घटाना है, कुछ भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्लिपिंग के अंदर आती हैं। देन व्यू पोर्ट, लास्ट में हमारा होता है विंडोइंग व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप स्क्रीन के किसी भी पोर्शन में अपने ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हो। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपको ये 3 पार्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला स्टेप हमारा एप्लीकेशन था, दूसरा स्टेप हमारी ज्योमेट्री है, और तीसरा अब आता है रेस्टराइजेशन। लास्ट स्टेज है हमारा ग्राफिक्स पाइपलाइन का। आपको बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन की चीज़ समझ में आई है कि आप ग्राफिक्स पाइपलाइन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन में माइनर चेंजेस कर रहे हैं, जहाँ पे ज्योमेट्री में हम लोग मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लाइटनिंग को अच्छा कर रहे हैं, इनहैंस कर प्रोजेक्शन बढ़ा रहे हैं, क्लिपिंग मतलब क्रॉपिंग, जो भी साइज घटाना बढ़ाना वो कर रहे हैं, और लास्ट में हम किसी भी स्क्रीन के किसी भी पोर्शन पे, विंडो व्यू पोर्ट पे, किसी भी पोर्शन पे दिखा रहे हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, राइट। अब तीसरा जो थर्ड पॉइंट है हमारा, लास्ट स्टेज जो है रेस्टराइजेशन। रेस्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि इन दोनों स्टेप्स में, ये जो 2 स्टेप्स हमने पढ़ा है, ये जो पहला स्टेप पढ़ा हमने, दूसरा स्टेप पढ़ा, ये 2 स्टेप्स हमने पढ़ा है अभी, इन दोनों स्टेप्स में जो भी हमने चीज़ें की हैं, इसका जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा पता है आपको, वेक्टर फॉर्मेट में। हमेशा याद रखो, आपके ओरल्स में, आपके एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि किस टाइप के, तो वो वेक्टर फॉर्मेट होता है। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आता, मैंने आपके पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि वेक्टर फॉर्मेट जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में निकल के आता है। तो जो भी हमने 2 स्टेप्स में किया, एप्लीकेशन में और ज्योमेट्री में, अगर हम ज्योमेट्री भी कर रहे हैं, मतलब ज्योमेट्री में क्या होता है बेसिकली, हम पॉलीगन को के वर्टेक्स को चेंज करते हैं, सर्किल को, स्क्वायर, ये सबको करते हैं, वर्टेक्स चेंज करते हैं, साइज बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है, कम करते हैं ज्यादा करते हैं। तो ये जो भी इन दोनों स्टेप्स का जो भी हमारा आउटपुट आता है ना, वो किस फॉर्मेट में होता है बताओ, यस वेक्टर फॉर्मेट में होता है। अब वेक्टर फॉर्मेट में जो आउटपुट होता है आप उसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम जो इमेज देखते हैं वो क्या किस फॉर्मेट में होता है, रास्टर फॉर्मेट में। जी हाँ, करेक्ट है, रास्टर फॉर्मेट, रास्टर डिस्प्ले आप, या बिट मैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में चीज़ें ऑर्गेनाइज प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है और फिर उसको रास्टर फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। रास्टर फॉर्मेट मतलब पिक्सल्स का फॉर्मेट। रास्टर फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होते हैं। जो इमेज फॉर्म होती है, जो ग्राफिक्स फॉर्म होती है, वो इमेज डॉट 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 पिक्सल्स के रूप में फॉर्म होती है, पिक्सल्स के रूप में। और यही आपकी स्क्रीन पर दिखती भी, आपको फ़ोन पर भी आप देखते हो, यूट्यूब पर क्वालिटी चेंज करते हैं, रिजोल्यूशन चेंज करते हैं, वो सारे पिक्सल्स के कलेक्शन ही तो होते हैं और क्या होते हैं, तो पिक्सल्स के फॉर्म है। तो ये जो वेक्टर टू रास्टर का कन्वर्जन है वो हमारा रास्टराइजेशन करता है कि हम रास्टर प्लस आइजेशन, मतलब रास्टर प्लस कन्वर्जन। आप इसको कैसे समझो, रास्टराइजेशन का मतलब क्या हो, रास्टर प्लस कन्वर्जन, कि आप वेक्टर इमेज को रास्टर इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग रास्टराइजेशन कहते हैं। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर होगी बेसिक्स ऑफ ग्राफिक्स पाइपलाइन की। मैंने इसको बहुत ही सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश करी है, बहुत कम जगह पे इस तरीके से इसको समझाया जाता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए, आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप चाहते हो ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सारे दोस्तों के क्लियर हो जाए, अगर आप एक टीचर हो, आप चाहते हो कि मेरे सारे स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नोट्स मिल जाए, असाइनमेंट मिल जाए, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिटमैप एंड वेक्टर की। इस बारे में मैंने पहले भी बात करी है। बिटमैप एक ऐसी इमेज होती है, बिटमैप को हम रास्टर इमेज भी बोलते हैं। बिटमैप जो होता है हमारा, एक ऐसी इमेज होती है जो पिक्सल से मिलके बनी होती है। जो एंड पिक्सल क्या होता है हमारा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, स्मॉलेस्ट यूनिट इन द स्क्रीन। स्मॉल, जो स्क्रीन पे स्मॉलेस्ट यूनिट प्रेजेंट होता है हम उसको बोलते हैं पिक्सल्स। ये क्या है, ये हमारा पिक्सल है। ठीक है, तो बिटमैप एक ऐसी इमेज होती है जो पिक्सल से मिलके, इतना ही सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी डीप में नहीं जाना है यहाँ पे। आप ऐसे समझो कि बिटमैप एक ऐसी इमेज है, एक ऐसा ग्राफिक्स का फॉर्म है जो पिक्सल से मिलके बना है। एंड व्हाट इज पिक्सल, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्क्रीन। क्लियर है आपका। एंड जब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इमेज की, तो वो किस पर डिपेंड करता है, रिजोल्यूशन पे। सब मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताया आपको, प्लीज जाके देखो। वो वेक्टर इमेज क्या होता है, वेक्टर इमेज एक ऐसी इमेज होती है जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज से मिलके बनती है। जिस इमेज को आप कितना भी जूम करो वो कभी इमेज पिक्सलेट नहीं होती, क्योंकि वो पिक्सल से मिलकर बनी ही नहीं है, वो बनती है फॉर्मूलाज से मिलकर। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जैसे सर्किल जनरेशन एल्गोरिथम, लाइन जनरेशन एल्गोरिथम, वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले, डोंट वरी। सर्किल जनरेट करते हैं, लाइन जनरेट करते हैं, पॉलीगन जनरेट, जितने भी डायग्राम्स हम बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, वो सारे मैथमेटिकल मैथ्स का हेल्प करके हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर इमेज फॉर्म। ठीक है, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, बट सिलेबस में पढ़ा तो मैंने फिर से पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमारा कवर हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा था एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। बहुत ईजी है, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, गेमिंग। हम लोग गेम में कंप्यूटर ग्राफिक्स के ही एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। यूज़र इंटरफेस में कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन को, जब वहाँ पे हम यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन की यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें नए नए मॉडल्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, पाई चार्ट्स बनाने हैं, वहाँ पर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मैथमेटिकल से हमें ग्राफ का फॉर्म देना, तो वो क्या होगा, वो एक वेक्टर इमेज होगा। देन हम लोग वेक्टर इमेज को कहां कन्वर्ट करेंगे, रास्टराइजेशन के फॉर्मेट में, बिटमैप में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा ग्राफ आके। इस तरीके से आप एग्जाम में डिटेल्ड में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी। आज हमें इस सेशन में इतनी चीजें पढ़नी थी। इस वीडियो को खत्म करने से पहले, बंद करने से पहले, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले। और आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन सब आपके लिए तैयार है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। और आज हमारी संडे को लाइव डाउट सेशन भी होती है, हर संडे को होती है। जो भी हमने यूट्यूब पेपर है उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो वहाँ पे, तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें फ्री हैं। सेकेंड ईयर में मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड ईयर में जाने से पहले आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है थर्ड ईयर के लिए। हमारे क्लास से 7-8 बच्चे, 9 बच्चे हमेशा COP में एडमिशन लेते हैं। 96-97% के ऊपर हम लोग स्कोर करते हैं। MSBTE में 2 सालों से रैंक 1 पे हम लोग हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको हमसे पढ़ाई करनी है, सब कुछ फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।